तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट अर्चित कुणाल। आई होप यू आर फिटिंग फाइन। कई दिनों बाद आए भाई चैनल पे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा हूँ मैं। आप लोगों को पता है कि आप डाउन चल रहे हैं ज़िंदगी में, बट अब यूँ है भाई, आप लोगों को ये अपडेट मिलना ज़रूरी है। और चैनल पे सारे नए नए कंटेंट मैं सोच रहा हूँ क्या क्या लेके आऊँ, जो चीज़ें मतलब अब तक नहीं हुई है, यूट्यूब पे भी नहीं हुई है, जो चीज़ें नहीं दिखाई गई है वो चीज़ आपको यहाँ दिखाएंगे। सो एक अच्छी ग्रोथ और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं। सो पहली बात, आज के व्लॉग में मैं दिखाऊंगा कि मम्मी बहुत दिनों से यार उदास थी, तो पापा ने मम्मी को एक सरप्राइज़ दिया है कि मम्मी को वो फार्म पे ले गए थे। सो इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा, फिर आप व्लॉग नहीं देखोगे पूरा, तो वहाँ जाके देखो क्या क्या हुआ है। और बीच में दिवाली आई थी, मानो भी आई हुई है, तो वो भी मैंने इसमें वीडियो में ऐड करा हुआ है, वो भी व्लॉग देखो। दो दिन के व्लॉग एक में ही है, सो वो देखो। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सब लोगों के लिए। अगर आपको कोई डॉग लेना है, पहली बात तो जो हमारे पास ब्रीड आप वही ले सकते हो, हम वही देते हैं। दूसरी बात, डॉग ट्रेनिंग पर्पस है, हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 100% का रिजल्ट आया है अब तक। हमारे पास जितने भी डॉग्स जितने भी आए हैं, सारों के 100% रिजल्ट आए हैं। आपको अब इससे नेक्स्ट व्लॉग मैं मेन चैनल पे डालूंगा और पेट डब्ल्यूसी पे भी डालूंगा, लक्की की ग्रोथ और लक्की की ट्रेनिंग देखना आप, इतनी खतरनाक इतनी बढ़िया ट्रेनिंग हुई है। सो अगर आपको अपने डॉग को ट्रेन कराना है तो आप पेट डब्ल्यूसी फार्म को कॉल कर सकते हो, और डॉग हॉस्टल के लिए आप कर सकते हो, और पपीज़ के लिए आप फ़ोन कर सकते हो, तो ज़रूर कॉल करना। और हाँ, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वो यही है, 9466883311। इस नंबर के थ्रू जो भी बात होती है वो हमारी जिम्मेवारी है, हम पेट डब्ल्यूसी की जिम्मेवारी है। पेट डब्ल्यूसी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ प्रॉपर सब चीज़ रजिस्टर्ड है उसका, सो आप उनसे ही बात करो। अगर इस नंबर के अलावा कोई भी कहता है कि मैं रचित पंघाल बोल रहा हूँ या मैं पेट डब्ल्यूसी से बोल रहा हूँ, तो उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कई हम मेरे पास फ़ोन आए हैं, पापा के पास भी फ़ोन आए हैं कि भाई ऐसे ऐसे कोई और नंबर से लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, या हमारे पास डील हो रही है, वो कह रहे हैं हम पपी देंगे आपको। तो कई लोगों ने पपी ले भी लिए या ट्रेनिंग का कुछ सीन हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो ये फ्रॉड हो रहा है। तो अगर रचित पंघाल या पेट डब्ल्यूसी के नाम से आपको कहते हैं, तो हमारा ऑफिशियल नंबर यही है, इसके अलावा हम नहीं है कहीं भी, ठीक है। और हम आगे से सामने से फ़ोन करके नहीं कहेंगे किसी को कि आप हमसे पपी ले लो या ट्रेनिंग करवा लो। तो इस चीज़ के लिए भाई आप खुद समझदार बनो और आप कॉल बैक कर लो। और इवन भाई अब उन लोगों ने पता क्या करा हुआ था कि वो ऐसे कह रहे हैं मैं रचित पंघाल बोल रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि मेरी मम्मी से भी बात कर लो, और उसकी लड़के की मम्मी मेरी मम्मी बनी हुई है कि हमें रचित की मम्मी बोल रही हूँ। यहाँ तक उन लोगों ने बकवास करी हुई है। तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि भाई आज के बाद गलती होगी, आज के बाद नहीं करूँगा, नहीं तो मैं केस करूँगा पुलिस में। सारी बात मैंने उनको कह दी थी और राकेश ने भी उनसे बात कर ली है, बट उन्होंने मेरे से माफ़ी मांग ली कि उस आंटी ने कि भाई बच्चा है, छोटा बच्चा, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कि इसलिए पुलिस केस मत करना। तो ये फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए हमने उनको आखिरी वार्निंग दे दी है। आप लोगों के पास अगर कभी ऐसी बात आती है तो सिर्फ ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल करो और कन्फर्म कर लो, है ना। ऑफिशियल नंबर स्क्रीन पे चल रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ऑफिशियल नंबर पे कॉल करो पेट डब्ल्यूसी के, और वहाँ से कंफर्म कर लो कि ऐसे ऐसे हम बात हो रही है, तो कि ये आप हो या नहीं हो, है ना। तो चलो इसी के साथ इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा व्लॉग है, बहुत बढ़िया व्लॉग है, और आगे आगे बहुत अच्छा कॉन्टेंट आने वाला है। तो अपने चैनल को सपोर्ट करो भाई, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, आज कई दिनों के बाद थोर की मम्मी को मैं फार्म पर लेके जा रहा हूँ, लेकिन उसको पता नहीं है, वो अभी स्कूल से आई नहीं है, और मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। आज सुबह सफाई भी करी थी फार्म की, और सारा सामान बिखरा हुआ था उसको बिल्कुल पूरी तरह सेट कर दिया था। तो थोर की आज हो गए 25-26 दिन हो गए थोर को, तो वो उदास ही रहती है, ज़्यादातर अकेली रहती है घर पे, तो इसलिए ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती। तो आज मैंने इसको यही बोल के लेके जाने लग रहा हूँ कि चलो देखो दिवाली की सफाई करिए, सामान सारा दाएं बाएं था, तो एक बार देखो कितना अच्छा लगेगा, हमारे बढ़िया बना रखा है। तो फिर वो इस बात के लिए राजी होगी कि चलो, और बच्चे हैं अपने सारे, उनसे भी मिल लेगी। तो बाकी चलो एक बार फार्म पर जाके एक बार फिर मैं दिखाता हूँ आपको।
लो भाई अंदर आए हैं तो लक्की स्टे की कमांड पे है। कितनी देर होगी राकेश? पांच सात मिनट। मोहित अंदर की सेटिंग कैसी लगी? बढ़िया, बढ़िया हो गया सारा का सारा। बढ़िया, हाँ बिल्कुल। अब ये थोर की मम्मी को लेके आया हूँ यही दिखाने के लिए। मैं वहाँ चलो अंदर की सेटिंग दिखा। हाँ लक्की छोटा सा आया था तो बहुत बढ़िया है लक्की। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अंदर की देख पहले, अंदर की वो देख, अंदर की चलो ये देख। हैं कैसी लगी? कैसी लगी सेटिंग? मस्त, बढ़िया लगी, सही ये सरप्राइज विजिट थी इनकी। ये बंदर की फोटो नहीं यहाँ पे भी रह। चलो मैं नजदीक से दिखाऊं, एक मिनट उतारियो बाद में उतारियो। ये बंदर की फोटो है भाई, राम राम। बैठे मेरे चलो आ जाओ वहां पे। इसको एक बार रख दे उधर, इसको रख दे। चलो इनसे मिलेंगे, इनसे और मिला दो। ये मफिन है, ये हॉस्टल में आया हुआ है, यही घोक रहा था चार दिन के लिए। अरे 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 पहचान लिया है इनकी मस्ती शाम की, और ये मानती नहीं है बिल्कुल ज्यादा। हम लोग फार्म पे आए हैं दिवाली की पूजा करने। मैं ये दियो का काम कर रही थी और इनने बिल्कुल सही टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक देना शुरू किया। मम्मी ये थाली लानी है क्या? दिवाली की आप सभी को हमारे अपने अपने सब के फार्म की ये पहली दिवाली है, तो हम दिवाली की पूजा करने आए हैं फार्म पे। मैं भी आई हूँ भाई, और आप सभी को मुबारक दिवाली की बहुत बहुत। आपने थोर और शाशा दोनों के ही लगा दिया। ये हमारे साथ ही है, और हमारे साथ ही पूजा करने आए हुए हैं, और हर पल हमारे साथ है। गाइस अब आपको पूजा करके मिलते हैं हम लोग। मानो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। प्रसाद आसमान के तिलक लगा रहे हैं। उनको लगा को मिल जाए, उसको देख नहीं सकते ना।
इनको बिस्किट दे दिए। देखो लक्की को खाना खिलाएंगे ना तो लक्की टीका कर दिए हम हमें है? टीका करिए जो का सबका टीका करें। हां थोड़ा तो आई दे कर दे कर देंगे टीका जरूरी है। आओ भाई आओ ये करवाओ तो कौन बंद रही एक बंदा बिस्कुट खिलाएगा बांदरी। अरे ये खाना था इसका नो 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 बेटा दाम 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 नो 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 चलो बेटा अच्छा ठीक है भाई साहब खुशी के भी लगी लक्की के खाना देंगे सही तबीयत नो नो बेटा नो नो लक्की नो स्टे हेलो 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 सेकंड नेक्स्ट ईट ईट लगा ही लगा बढ़िया चल पकड़ है तो लगी वो देख लो भाई चलो इनको आज स्पेशल ट्रीट मिली है स्पेशल ट्रीट देंगे देना ये बिस्कुट देना आसमा ये दो बिस्कुट गिर के नीचे सही माथे में लो चलो बाहर ये लगाएंगे आप ये मैं मंदिर में तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और भाई वीडियो को ना लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे एक अच्छे व्लॉग में मिलेंगे आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने हैं सो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ओके बाय बाय।